दातारामगढ़ में विद्यार्थियों एवं अभिभावकों ने सरकारी स्कूल के जड़ा ताला। सैकड़ों विद्यार्थी एवं ग्रामीण स्कूल के बाहर धरने पर बैठकर करे हैं विरोध प्रदर्शन। चंदेली का बास के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को लगाया ताला। अध्यापकों को ट्रांसफर एवं स्टाफ की कमी को लेकर ग्रामीणों व विद्यार्थियों में आक्रोश। सीनियर स्कूल होने के बावजूद विद्यालय में आधा दर्जन से अधिक अध्यापकों के पद है रिक्त। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का सरकार पर लगा रहे हैं आरोप। शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने व तबादला निरस्त करने की कर रहे हैं मांग। स्कूल में पिछले एक साल से नहीं है इंग्लिश विषय का टीचर। हिंदी के शिक्षक दुर्गा प्रसाद के तबादले का बच्चे कर रहे हैं विरोध। बच्चों ने कहा, प्रिंसिपल स्कूल में बनवाते हैं चाय, अध्यापक निकलवाते हैं बच्चों से झाड़ू। बच्चों ने प्रिंसिपल पर इंटरवल में ही स्कूल छोड़ने का लगाया आरोप। कितनी बार कहा कि हमारे टीचर लगाओ, लेकिन किसी को नहीं लगाया। किसी एक लड़के को लगवाया एक दो दिन में, वो तो खुद ही स्टूडेंट है, वो हमें क्या पढ़ाएगा। पिछले साल से हमारी इंग्लिश के टीचर चले गए थे, तब से कोई टीचर आया नहीं। मैं इंग्लिश में काफ़ी दिक्कतें हुई, और कहते हैं तब कहते आएगा आएंगे। पहले प्रिंसिपल सर कह रहे थे कि 24 जुलाई तक सब स्टाफ बढ़ जाएगा, अब सितंबर हो गए चला है, तो अब नए टीचर नहीं आया, तो हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं।